16 अंकल। वीर, यहाँ कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जिन नहीं होता चुलबुल, ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है, किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है, हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो, तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो, इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन विन से नहीं डरता, और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया, पहले क्यों नहीं बताया। निकल गया सारा दम। निकल गई सारी हेकड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटो को कहीं और जाके भटक। वीर बचाओ, वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई, वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है, हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ ये बात तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ, अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है, इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज, यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है, एक घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जिन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ। यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक, वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। वीर, तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है, उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर, तुम्हें एक घंटे में जिंटू को ढूंढना है, और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर, अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन बंटी के पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा। इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा। या, 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 या।
एक स्टेज पार कर लिया। कोई बात नहीं, एक और क्लू सुनो। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। इमली फुसदगंज के वॉच टावर में बड़ी घड़ी है, वो पुराने टाइप की घड़ी है जिसे चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है। वो ताला नहीं जो चाबी से खुल जाएगी, लेकिन चाबी भरे बिना वो चल भी नहीं सकती। वीर, यू आर राइट, चलो वॉच टावर चलते हैं। आ गए वीर, बहुत देर कर दिया आने में। आधा घंटा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिन अंकल। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। चिंटू को ढूंढना है। मेरे माया जाल को काटते हुए तुम बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन मैं चिंटू को इतनी आसानी से नहीं दूंगा। एक और आखिरी क्लू सुनो। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना वो कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे तो कई जगह है जहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, जैसे मार्केट, मॉल, लेकिन वो जो ले जाते हैं वो तो दिखता है। स्कूल, ये स्कूल हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं, वो स्कूल से ज्ञान ले जाते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज दिखती नहीं, और ज्ञान यानी कि नॉलेज के बिना वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं। इस स्कूल के आगे तो हमारा स्कूल है। लगता है जिन अंकल ने जिंटू को हमारे स्कूल में कैद किया है। आओ वीर, आओ। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है जिंटू को बचाने के लिए, और मैं तुम्हें जिंटू तक नहीं पहुंचने दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे जिंटू तक जाने से नहीं रोक सकती। मैड मैक्स में इतनी फुर्ती कहां से आ गई? ये मत भूलो कि वो भी जादू से बना है। लेकिन कैसे? इमली चुलबुल, तुम लोग जाओ और जिंटू को ढूंढो। वीर, कहाँ हो वीर? सिर्फ 1 मिनट बाकी है, सिर्फ 1 मिनट वीर, तुम जिंटू तक नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। Jintu! Jintu!
वीर, तुम यहाँ तक आखिर पहुँच ही गए। अब सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना है जिंटू कौन है। इनमें से एक जिंटू है। जिंटू, जिंटू! आखिर में हम मिल गए। वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग एक सच्चे दोस्त हो। अक्सर जिसके पास जिन होता है वो मालिक की तरह बर्ताव करता है। जिंटू, तुम खुश नसीब हो, तुम्हें वीर जैसा दोस्त मिला। अच्छा, चलता हूँ। तुम लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। सॉरी अंकल, फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। पूरे फुर्सतगंज को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। ताता जी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई, मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालुका द्वीप में होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी, लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर, तुम लोग स्पेसशिप से चले जाओ। अपना ध्यान रखना। दादाजी, मैं उड़ने वाले पंख भी ले जाता हूँ। क्या पता कभी बिना स्पेसशिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तैयारी के साथ जाओ। मदद चाहिए। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला, हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला। हुला हुला तीरु भाला, हुला हुला हर कोई हाला। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला। ये लोग बात करने के मूड में ही नहीं है। अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। वीर, जंगल में वैसे भी कितने सारे जानवर होंगे। तुम लोग भाग जाओ, मैं भोला भाला डोंकी बनके इन पे जासूसी करूंगा और वो फूल कहाँ है पता करके तुम्हें बताऊंगा। गुड आइडिया चुलबुल। विंग सूट ऑन, विंग सूट ऑन। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला। जानवर बन के जासूसी करने का आइडिया फ्लॉप हो गया। इमली, चुलबुल,
बचाना होगा। अच्छा हुआ उड़ने वाले पंख साथ लाया हूँ। छोड़ दो, फिर कभी ऐसे गलती नहीं करेगा। हदीसा, हदीसा। हुला, हुला, ले जाओ इसे। आज हदीसा को चोरी के जुर्म में तीरों का सामना करना होगा। करो। थैंक यू वीर। यू आर वेलकम चुलबुल। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ओ, तुम हमारी भाषा बोल सकते हो, बहुत अच्छा। हुला हुला, न्यूकी न्यूकी, इधर इधर से चलो, वहाँ बहुत सारे अनासी के जाले हैं। अनासी के जाले, वो क्या है? तो मकड़ी के जालों से डर के तुम्हारी न्यूकी यानी कि मधुमक्खी इधर नहीं आती। अच्छा, अनासी मीन स्पाइडर। ओके। मेरा नाम अदीसा है, मेरी दादी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए सरदार मुझे फूल की पत्ती नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने चुराने की कोशिश की और पकड़ा गया। वो फूल चुराना क्यों पड़ा? फूलों पे तो सबका हक होता है। उस फूल से हर बीमारी का इलाज होता है, इसलिए अदूजा वो फूल पूरे गांव में कहीं और पैदा होने नहीं देता। सिर्फ उसके पास ही एक फूल है और उसी फूल का डर दिखा के सबको गुलाम बना के रखता है, क्योंकि सबको कभी ना कभी उस फूल की पत्ती की जरूरत पड़ती है। अदूजा कौन है? क्या वो तुम्हारा सरदार है? नहीं, वो रानी का सेनापति है। रानी भी उससे डरती है और वो जो कहता है रानी वही करती है। फिर तो हमें भी वो फूल बिना मांगे चुपचाप लेकर जाना होगा। हमारे शहर में बहुत लोग बीमार हैं और हम ये फूल लेने आए हैं। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ओके, जैसे ही वो मेरा पीछा करने लगेंगे, तुम लोग फूल की पत्तियाँ तोड़ के उड़ते हुए वापस उसी पेड़ पे रुक जाना, मैं वहीं मिलूंगा। हुला हुला तीरू भाला, हुला हुला तीरू भाला। फूल चुराने की हिम्मत की है, आज तुम्हें हमारे तीरों का सामना करना होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम वीर है। मेरे शहर फुर्सतगंज में सब लोग बीमार हैं और मैं सिर्फ ये फूल की पत्तियाँ लेने आया हूँ। नहीं, तुम हमारे पवित्र फूल को छू भी नहीं सकते। हम तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। खत्म करना है तो खुद अपने दम पे खत्म करो। ये हुला हुला तीरू बूरा कह के दूसरों से तीर और भाले क्यों चलवा रहे हो? तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो? मंजूर है, युद्ध होगा। हुला हुला। वीर, एक बार सोच लो, इससे जीतना असंभव है। दादाजी कहते हैं जो असंभव को संभव कर दे उसे ही वीर कहते हैं। ये मेरे और इस गाँव वालों के हक की लड़ाई है। अगर मैं जीत गया तो आज के बाद किसी गांव वाले को आप ये फूल लेने से मना नहीं करोगे, किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखोगे। मंजूर है, हम तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं। युद्ध शुरू हो। अदूजा, 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 अदूजा।
डिसेंगेज डिसेंगेज रोबोटिक चिप टूटने का खतरा डिसेंगेज खुशी का दिन है वीर, तुम बहुत बहादुर हो। तुम फूल की जितनी पत्तियां चाहो ले जा सकते हो। आज के बाद इस फूल पे हर गांव वाले का हक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, उस बीमारी की दवा तैयार हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा काम है घर घर जाके इसे सबको पिलाना। दादाजी, ये काम मैं करूँगा। ने एक बार फिर फुर्सतगंज को बचा लिया। उसने इस बीमारी की दवा खोज निकाली और पूरे फुर्सतगंज को इस दवा से ठीक कर दिया। थैंक यू रोबो बॉय। हेलो, आई एम वीर द रोबो बॉय। प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोस।